बंद बोतल से निकला समान नागरिक संहिता का जिन 2024 में बीजेपी की राह आसान करेगा। समान नागरिक संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड को बीजेपी लागू करना चाह रही है। ये इकलौता कानून होगा जिसमें किसी धर्म, लिंग और लैंगिकता की परवाह किए बगैर फैसला लिया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज, मैं तुषार आपके साथ। समान नागरिक संहिता पर विधि आयोग ने सार्वजनिक और मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठनों सहित सभी हितधारकों से राय मांगी है। इसी के साथ विधि आयोग ने बुधवार को समान नागरिक संहिता पर नए सिरे से परामर्श प्रक्रिया शुरू कर दी है। दरअसल केंद्र सरकार समान नागरिक संहिता को पूरे देश में लागू करना चाहती है। आपको बता दें कि सरकार जस्टिस देसाई कमेटी की रिपोर्ट के मंजूरी मिलने का इंतजार किए बगैर इससे जुड़ी सभी प्रक्रियाएं पूरी कर लेना चाह रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सरकार लोकसभा चुनावों से पहले इसे लागू करने की तैयारी में है। इसी बीच समान नागरिक संहिता को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस ने गुरुवार को कहा कि मोदी सरकार इसके जरिए विफलताओं से ध्यान भटकाना चाहती है। पार्टी ध्रुवीकरण के अपने एजेंडे को वैधानिक रूप देना चाहती है। जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा कि यूसीसी पर सभी हितधारकों, समुदायों और अलग अलग धर्म के सदस्यों के लोगों को विश्वास मिलाकर बात करने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा, यह बात अजीबोगरीब है कि विधि आयोग नए सिरे से राय ले रहा है, जबकि उसने अपनी विज्ञप्ति में खुद स्वीकार किया है कि उससे पहले ये विधि आयोग ने इस विषय पर अगस्त 2018 में परामर्श पत्र प्रकाशित किया जा चुका है। जयराम रमेश ने कहा कि विधि आयोग ने इस विषय की विस्तृत और समग्र समीक्षा करने के बाद यह कहा था कि फिलहाल समान नागरिक संहिता की जरूरत नहीं है। बता दें कि इससे पहले 21 में विधि आयोग ने इस मुद्दे की जांच की थी, तब भी सभी हितधारकों के विचार मांगे थे। इसके बाद 2018 में परिवार कानून के सुधार पर एक परामर्श पत्र जारी किया गया था। 2018 में 21वें विधि आयोग का कार्यकाल खत्म हो गया था। अब नागरिक संहिता यानी कि समान नागरिक संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड इकलौता कानून होगा जिसमें किसी धर्म, लिंग और लैंगिकता की परवाह किए बगैर फैसला लिया जाएगा। देश का संविधान कहता है कि राष्ट्र को अपने नागरिकों को ऐसे कानून मुहैया कराने की कोशिश करनी चाहिए जहां समान नागरिक संहिता या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग देश की आज़ादी के बाद से ही चली आ रही है। बीजेपी सरकार इस मुद्दे को वापस उठा रही है। बीजेपी शासित उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश यूसीसी पर चर्चा कर रहे हैं। राम मंदिर का निर्माण करना, कश्मीर से विशेष दर्जे को खत्म करने के अलावा समान नागरिक संहिता को लागू करना बीजेपी के चुनावी वादों में से एक रहा है। बीजेपी सांसद के शीतकालीन सत्र में कॉमन सिविल कोड से जुड़ा एक प्राइवेट बिल पेश कर चुकी है। वहीं गुजरात से लेकर हिमाचल में बीजेपी के सीएम इसकी पहले ही वकालत कर चुके हैं। साल 2022 के दिसंबर में उत्तराखंड में बीजेपी सरकार ने यूसीसी के कार्यान्वयन की जांच के लिए एक समिति का गठन किया था। अब 2024 के लोकसभा चुनावों के नजदीक आते ही फिर से इस पर चर्चा तय हो गई है। अब सवाल ये उठता है कि क्या समान नागरिक कानून से लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी की राह आसान होगी? आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहे नेक्स्ट नाइन न्यूज़।